नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं और सर्च करते रहते हैं कि आप कैसे आधार कार्ड जो है ऑनलाइन उसको अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो के जरिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, आप क्या क्या चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें कौन से ऑप्शन जो है उसको आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और कौन से ऑप्शन है जो अपडेट करने के लिए आपको एनरोलमेंट सेंटर जो है या फिर आधार सेवा केंद्र जो है वहाँ पे जाना पड़ सकता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ पार्थ आपके साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है दोस्तों। बाकी सारे चीज़ अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, बायोमेट्रिक या फिर आपका जो नाम है या फिर जेंडर है, बहुत सारी चीज़ जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँगा आप कैसे इस सभी चीज़ के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि आपके शेड्यूल टाइम में वहां पे जाके 10-15 मिनट स्पेंड करके आपका जो अपडेट है आधार कार्ड में उसको करके वापस आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगर आप आधार अपडेट करना चाहते हैं तो आप कैसे एक अपॉइंटमेंट जो है उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आपका नेम अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक या फिर आप नए आधार कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे एक अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हैं, ताकि आपका जो शेड्यूल टाइम है उसी टाइम में जाके आप बिना वेट किए हुए, बिना लाइन में लगे, बिना क्यू में खड़े हुए आप कैसे 15 मिनट के अंदर आपका जो अपडेशन आधार अपडेटेड प्रोसेस है उसको कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप अगर अपॉइंटमेंट जो है बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले eydai.gov.in पे विजिट करें। विजिट करने के बाद अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार। गेट आधार में बहुत सारे कैटेगरी मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको करना क्या है, बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। तो बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे दोस्तों, और आप क्या क्या चीज़ अपडेट कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट के जरिए। तो फिलहाल जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ दोस्तों, अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर वहाँ पर लिंक्ड नहीं है आधार में, तो आप ये ऑनलाइन एड्रेस अपडेट का जो फैसिलिटी है उसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे आपका सिटी या फिर लोकेशन जो है उसको चूज करें दोस्तों। चूज करने के बाद प्रोसीड टू अपॉइंटमेंट करें, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे कैप्चा जो है एंटर करें। एंटर करने के बाद गेट OTP करें, तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा दोस्तों। वो OTP यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक करें। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिलेक्ट एनरोलमेंट टाइप में सिलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे कि अगर आप नए आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप न्यू आधार सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपडेट के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपडेट एग्जिस्टिंग आधार डिटेल्स जो है उसमें क्लिक कीजिए दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पर हम अपडेट की बात करें दोस्तों, तो अपडेट एग्जिस्टिंग आधार डिटेल्स में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपका आधार नंबर जो है वो दे दें दोस्तों, और आधार पे जो नाम है वो नेक्स्ट बॉक्स में आप दे दें। सेम स्पेलिंग होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि मैं बोल रहा था दोस्तों, आपको अमाउंट जो है 50 रुपीज़ अमाउंट वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आधार नंबर और नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आप जो अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक, उस पर टिक करें दोस्तों। टिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी कि आपका एक मोबाइल नंबर वहाँ पे देना है दोस्तों। तो मोबाइल नंबर दे दे, आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए, यानी कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए। प्रीव्यू में क्लिक करें दोस्तों, राइट साइड में नीचे प्रीव्यू में क्लिक करें। प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपका डिटेल जो है यहाँ पर जाँच कर लें। जाँच करने के बाद कन्फर्म में क्लिक करें। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिटेल्स पूछा जाएगा दोस्तों। अपॉइंटमेंट डिटेल्स में आपको आपका स्टेट जो है चूज करना है। स्टेट चूज करें, आपका सिटी चूज करें, उसके बाद ब्रांच चूज करें। चूज करने के बाद नीचे एक कैलेंडर आ जाएगा दोस्तों, सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी फ्री रहेंगे वो डेट एंड टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस टाइम से यानी कि उस टाइम के 15 मिनट पहले आपको वहाँ पर जाके पहुँचना है दोस्तों आधार सेवा केंद्र में। तो जैसे कि फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम सिलेक्ट किए हैं दोस्तों संडे नवम्बर 2019 17 तारीख 10:30 बजे।
तो 10:30 बजे से पहले 15 मिनट पहले वहाँ पे जाके आपको पहुँचना है दोस्तों। तो थोड़ा नीचे जाइए दोस्तों और नेक्स्ट में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा योर अपॉइंटमेंट फिक्स्ड, ओके में क्लिक करें। ओके में क्लिक करने के बाद आप वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप पर क्लिक करें। यहाँ पे पीडीएफ में एक 3 पेज का पीडीएफ जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। आपको काफ़ी सारे डिटेल्स वो पीडीएफ में मिल जाएगा और वो जो आधार सेवा केंद्र है उसका एड्रेस भी वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। और आप अब जो शेड्यूल टाइम के हैं वो टाइम से आप पहले पहुँचें, यानी कि 15 मिनट पहले पहुँच जाएँ तो वहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और इसका फैसिलिटी है दोस्तों, इसका मेरिट ये है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट जाके क्यू में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप सिर्फ आपके टाइम से 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाइए और आपका काम जो है 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से आपका जो आधार अपडेट प्रोसेस है उसको कम्प्लीट करके वापस आ सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।